डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसा कि नाम से ही पता है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से अधिक हेटरो एटम प्रेजेंट हो। हेटरो एटम मींस अदर देन कार्बन एटम। कार्बन एटम के अलावा जो दूसरे एटम्स हैं उन्हें हम हेटरो एटम कहेंगे। तो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज इस वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर को टच करेंगे। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देखते हैं, जो यहाँ हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है बेस्ड ऑन साइज ऑफ रिंग। रिंग की साइज पर आधारित है ये। हमारे सिलेबस में तीन तरह के हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, 5-membered रिंग वाले हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, 6-membered हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड बेंच ऑफ फ्यूज्ड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो 5-membered हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड जिनकी रिंग की साइज 5-membered है, 5 सदस्य है उसकी रिंग में, 4 कार्बन एटम, जैसे यहाँ पर 4 कार्बन एटम एंड 1 हेटरो एटम। तो एक कम से कम एक हेटरो एटम होना चाहिए, एक से ज्यादा हेटरो एटम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है 1 हेटरो एटम। हेटरो एटम को मैंने एक्स से दिखाया है। एक्स एनएच भी हो सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है एंड सल्फर भी हो सकता है। तो ये है 5-membered हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। यदि यहाँ पर एन है तो पिरोल होगा, यदि X की जगह ऑक्सीजन है तो उसे हम फ्यूरेन कहेंगे, और X इज इक्वल टू सल्फर है तो इसे हम थायोफीन कहेंगे। सेकंड है 6-membered रिंग हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें 6 सदस्य हो इंक्लूडिंग हेटरो एटम। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें 6 मेंबर है, 1 हेटरो एटम है और 5 कार्बन एटम है। एक्स की अगर हम एक्स इज इक्वल टू नाइट्रोजन रख दें तो इसे हम पिरिडीन कहेंगे। थर्ड है बेंच ऑफ फ्यूज हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग फ्यूज है। फ्यूज मतलब ऐसे कंपाउंड, फ्यूज कंपाउंड वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 रिंग के बीच में एक कार्बन कार्बन बॉन्ड कॉमन हो। यहाँ पर ये देखिए, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये दोनों रिंग के बीच में कॉमन है, इसीलिए इसे हम फ्यूज कहते हैं। बेंजीन क्योंकि फ्यूज है इसलिए इसे हम बेंजो फ्यूज हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 5-membered रिंग का जो पिरोल है वो बेंजीन से फ्यूज है, तो ये बेंजो फ्यूज है, इसे हम इंडोल कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ये वाला कंपाउंड है इसको हम, ये है पिरिडीन और ये है बेंजोन बेंजीन, तो इसे हम, ये बेंजो फ्यूज कंपाउंड है, इसे हम कॉमनली क्विनोलिन कहेंगे। ये तो था इसका क्लासिफिकेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर, इसको हम किस तरह से इसका नामकरण करते हैं, किस तरह से इसे हम नेमिंग देते हैं। जो नोमेनक्लेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड, 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक प्रीफिक्स एंड सेकंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, अब प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स में हम लेते हैं हेटरो एटम, जो भी हेटरो एटम प्रेजेंट है उसे हम प्रीफिक्स के रूप में लगाते हैं। हेटरो एटम हमारे सिलेबस में 3 तरह के हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को हम ऑक्सा कहते हैं प्रीफिक्स के रूप में, सल्फर को हम थाया कहते हैं, नाइट्रोजन को हम एजा कहते हैं, ये प्रीफिक्स के रूप में लगते हैं। इनका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, इनका जो वरीयता क्रम है वो है, ऑक्सीजन को सबसे फर्स्ट नंबर देते हैं, देन सल्फर एंड देन नाइट्रोजन। सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन को देते हैं और लास्ट नंबरिंग हम नाइट्रोजन को देते हैं। तो प्रीफिक्स के रूप में हम हेटरो एटम को लिखते हैं, जैसे ऑक्सा, थाया या एजा। सेकंड जो है वो सफिक्स, सफिक्स के रूप में हम लिखते हैं साइज ऑफ रिंग, रिंग की साइज को हम सफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो रिंग की जो साइज है उसे हम 2 तरह से देखते हैं, एक सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, रिंग है जो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो सफिक्स कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, ये है साइज ऑफ रिंग। साइज 5-membered हो सकता है, 6-membered हो सकती है, 7-membered हो सकती है, 2 तरह से होती है 5-membered भी, या तो अनसैचुरेटेड रिंग हो सकती है यानी उसमें सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, अनसैचुरेटेड रिंग भी हो सकती है और सैचुरेटेड रिंग भी हो सकती है। यदि रिंग की साइज 5-membered है और वो रिंग अनसैचुरेटेड है यानी असंतृप्त है तो उसे हम OLE, ओल सफिक्स लगाएंगे, यानी अनुलग्न सफिक्स लगाएंगे OLE, ओल। और यदि वो रिंग सैचुरेटेड है यानी वहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, एक सिंगल डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे ओलेन, सफिक्स के रूप में उसमें ओलेन लगाएंगे। यदि 6-membered रिंग है तो यदि वो अनसैचुरेटेड है तो INEN कहेंगे, और सैचुरेटेड रिंग है तो उसे एन कहेंगे, सफिक्स के रूप में एन लगाएंगे, ANE। इसी तरह यदि 7-membered रिंग है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो उसे हम इपिन कहेंगे, और यदि सैचुरेटेड सिस्टम है तो उसे हम इपेन कहेंगे। तो नाम कैसे बन गया,
प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स लगा दिया हमने जो भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है, और सफिक्स लगा दिया जो भी रिंग साइज है और सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड रिंग है, उस आधार पर प्रीफिक्स और सफिक्स लगा दोनों के जुड़ने से उस कंपाउंड का नाम आ जाएगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यदि प्रीफिक्स, जैसे हमने देखा ऑक्सा थाया और एजा, सभी प्रीफिक्स के जो लास्ट जो नाम है, लास्ट जो वर्ड है वो ए है, और जो सफिक्स में भी यदि सफिक्स ए ई आई ओ यू यानी वोवल से स्टार्ट होता है, तो दोनों तरफ यदि इधर भी वोवल आ गया और प्रीफिक्स के एंड में भी वोवल आ गया और सफिक्स के शुरुआत में भी वोवल आ गया, तो एक जो प्रीफिक्स का ए को हम हटा देते हैं। अब जब आप नाम देखते हैं किस तरह से नाम आएगा तो आप क्लियर होगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड हमने लिया है, तो इसमें हेटेरो एटम, सबसे पहले हम उस कंपाउंड में हेटेरो एटम देखते हैं। हेटेरो एटम यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम एजा कहेंगे, तो एजा लिखेंगे प्रीफिक्स में, पहले हम पूर्व लग्न में एजा लिखेंगे, फिर हम देखते हैं कि रिंग किस कौन से साइज की है, तो रिंग है 5 मेंबर्ड। रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो देखिए ये रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग अनसैचुरेशन प्रेजेंट तो उसको हम लिख देंगे ओल। तो एजा प्लस ओल, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, एजा प्लस ओल। तो अब इधर ओ से स्टार्ट है सफिक्स तो, और प्रीफिक्स ए से एंड है, तो ए को हम डिसमिस कर देते हैं, तो अब इसका नाम आ गया एजोल, ए जेड ओ एल ई, एजोल। ठीक है, इसी तरह इसका नाम देखते हैं, सल्फर है यहाँ पर, हेटेरो एटम प्रेजेंट सल्फर है, सल्फर को हम कहेंगे थाया, 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड सिस्टम ओल, तो इसको हम कहेंगे एक ड्रॉप हो जाएगा थायोल। यहाँ पर तीसरा जैसे ये वाला है, थर्ड में ऑक्सीजन को हम कहेंगे ऑक्सा, और 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड सिस्टम ओल, तो ऑक्सोल, ऑक्सा प्लस ओल, ए ड्रॉप हो गया ऑक्सोल। ये है नेक्स्ट एग्जांपल, 6 मेंबर रिंग एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन हेटेरो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन को हम एजा कहते हैं, 6 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड सिस्टम इन, एजा प्लस इन, ए ड्रॉप हो गया एजीन, तो इसका नाम हो गया एजीन। ये एक एग्जांपल है, इसमें हम दो तरह के हेटेरो एटम देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाया आपको प्रेफरेंस ऑर्डर जो है, ऑक्सीजन का सबसे पहले प्रेफर करते हैं, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन नंबरिंग देते वक्त। जब भी हम किसी हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग देते हैं तो हमेशा नंबरिंग हेटेरो एटम से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम नंबरिंग देंगे तो हेटेरो एटम को हम 1 नंबर देंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमें दो तरह के हेटेरो एटम है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को हम प्रेफरेंस देंगे, तो ऑक्सीजन को हम नंबर 1 देंगे, फिर जो नेक्स्ट हेटेरो एटम है उसको कम से कम नंबर मिले, इस तरह से हम चलेंगे। तो हम इस तरफ से चलते हैं 1 2 3 नंबर मिलता है, यदि हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 मिलता है, तो हम इधर से चलेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले 1 का लिखेंगे ऑक्सा, फिर लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए एजा, ऑक्सा प्लस एजा प्लस 5 मेंबर रिंग एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम ओल। अब फिर आप ड्रॉप करते जाएंगे, ये ए स्टार्टिंग और इसमें दोनों में ए है स्टार्टिंग और इसका, तो ये ए ड्रॉप हो जाएगा एंड ये ड्रॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सा 1 3 1 3 ऑक्सा एजोल। ये था क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। थैंक यू।